कृष्ण है दोस्तों। जैसे कि भादो मास की अमावस्या पड़ रही है 14 सितंबर और 15 सितंबर दोनों के दिन, तो इस दिन आप एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं दीपावली के दिन भी अमावस्या की रात होती है। अमावस्या की रात बहुत ही खास मानी जाती है, चाहे वो तंत्र मंत्र के लिए हो या किसी भी पूजा आराधना के लिए हो, किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हो। अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते तो अमावस्या की रात बहुत ज़्यादा खास होती है। भादों की ये अमावस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस दिन करें आप एक छोटा सा काम, जैसे कि सुबह उठ जाइए, स्नान आदि कर लीजिए। इस दिन पीपल के वृक्ष में आप जल जरूर चढ़ाएं, कच्चे दूध के अंदर काला तिल मिला लें, साथ में गुलाब की कुछ पत्तियां मिला के फिर पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं, इससे आपके पितृ शांत होते हैं। दूसरा आपने करना क्या है, एक पीपल के पत्ते के ऊपर आपने 7 बताशे रखने हैं, 7 लौंग रखनी है, और ये बताशा आप अपनी इच्छा मनोकामना बोलते हुए अपने पितरों को शांत करते हुए पीपल की जड़ में ही रख दीजिए। इस तरह से करने से भी आपके पितर शांत होंगे और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। तो शनिवार के दिन तो वैसे भी ये कार्य करना चाहिए, मगर कभी भी कोई भी अमावस्या हो, हर अमावस्या पर आप ये 2 कार्य तो अवश्य ही करें। अमावस्या के दिन सूर्य अस्त के बाद आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करें। जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि दीपावली के दिन भी अमावस्या होती है, तो अमावस्या पर हम माँ लक्ष्मी की कितनी पूजा आराधना करते हैं दीपावली पे, तो हर एक अमावस्या बहुत ही मायने रखती है। तो हर अमावस्या की संध्या सूर्य अस्त के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करें। पूजा आराधना करें, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, माँ लक्ष्मी की पंचमुखी दीपक से आरती करें और कपूर जला के उसमें 2 लौंग रख के उससे माँ की आरती करें। अपने घर में एक धुनी दे, आप जैसे कंडा होता है गाय का गोबर का कंडा, वो ले लीजिए, उसे थोड़ा सा जला लीजिए और उसे रखकर उसमें गुड़ और घी की आहुति दे और उसकी जो धुनी है वो अपने पूरे घर में घुमाएं। इससे घर की नेगेटिविटी बाहर निकलेगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होगा, कोई बुरी नज़र हाय दोष है तो वो भी सारी दूर होगी। और अमावस्या के दिन आप अपने हाथ में थोड़ा सा नमक ले लें, सेंधा नमक। सेंधा नमक लेकर आप अपने घर के उत्तर दिशा से शुरू करते हुए और अपने घर में पूरा घूम जाइए और फिर इस नमक को ले जाके घर के बाहर कहीं भी फेंक दीजिए। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। हर अमावस्या ज़रूर से ज़रूर ये कार्य करना चाहिए और नमक का पोचा भी ज़रूर से ज़रूर अमावस्या पर लगाना चाहिए। घर की हर नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालते हैं। घर के अंदर अगर वास्तु दोष है तो एक कांच की कटोरी में नमक के कुछ टुकड़े ज़रूर से ज़रूर अपने रसोई घर में भी रख सकते हैं या तो अपने बाथरूम में भी रख सकते हैं और हर अमावस्या पर इसे बदल दे, वॉश इसे बहा दे पानी के अंदर और फिर से इसमें नया नमक के कुछ टुकड़े रख दे। इस तरह से आपके घर का जो वास्तु दोष बिगड़ा हुआ है वो सही हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास उपाय लेके आई हूँ, जैसे कि आपने अमावस्या की रात्रि में करना है। आपने पूजा आराधना कर ली माँ लक्ष्मी की, आराधना करने के बाद रात्रि में सोने से पहले आपने ये कार्य करना है। हाथ मुँह धुलेंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे और आपने इसके बाद माँ लक्ष्मी को कोई भी इत्र ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना है। एक मोगरे की माला अर्पण करनी है। अर्पण करने के बाद आपका जो मंदिर है, मंदिर में आप ये कोशिश कीजिए कि एक बल्ब लगा दीजिए। लाल रंग का बिल्कुल नहीं लगाएंगे, पीले या सफ़ेद रंग का बल्ब लगाएं, या तो आप एक दीपक ऐसा प्रज्वलित करेंगे, जो मैं आपको दीपक बताने जा रही हूँ वो दीपक आप बना लीजिए। धन प्राप्ति का दीपक अमावस्या की रात को अवश्य जलाएं। यह दीपक आप हर अमावस्या पर जलाएं और ख़ास उसे दीपावली पर भी ज़रूर से ज़रूर यह दीपक जलाएं। आपको आटे का चौमुखी दीपक बनाना है, चौमुखी दीपक बना लीजिए। दीपक बनाने के बाद आपने करना क्या है, इसके अंदर शुद्ध देसी घी या तो फिर तिल का तेल डाल दीजिए। इसके बाद आपको इसकी बाती किससे बनानी है, लाल धागे से बाती बनाएंगे। जब माँ लक्ष्मी की या धन की प्राप्ति के लिए हम जब बाती बनाते हैं तो लाल धागे की बनाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो आप लाल धागे की एक बाती बना लीजिए। बाती बनाकर इस दीपक को आप जब प्रज्वलित करें तो इसके अंदर आपने डाल देनी है एक लौंग डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 कौड़ी और 1 रुपये का सिक्का, ये चीज़ें डाल के ये दीपक आप जब माँ लक्ष्मी के समक्ष प्रज्वलित करते रात्रि में सोने से पहले करना है आपने। इस तरह से आपने धन प्राप्ति का यह दीपक हर अमावस्या पर जलाना है और इस अमावस्या पर तो खासतौर से आपने जलाना है। भादों की अमावस्या बहुत बड़ी होती है, इसके बाद आपके जीवन में वो बदलाव आते हैं जिससे कि, जैसे कि देखिए, इसके बाद ही आपके हर शुभ कार्य शुरू होने लगते हैं और दीपावली भी इसके बाद ही आती है, तो इसलिए बहुत ही खास मानी जाती है। इस अमावस्या पे इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर माँ लक्ष्मी से निमंत्रण करें, दें कि हे माँ मेरे घर में आप पधारें और स्थिर रूप से वास करें। इस तरह से दीपक आप प्रज्वलित करते हैं और सुबह जब उठें स्नान आदि करने के बाद
आपने करना क्या है, इस दीपक की जो बाती है वो हटा दीजिए, लौंग सिक्का और जो आपने कौड़ी डाली है उसे उठा के लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में रख दीजिए और इस आटे की लोई सी बना के गौ माता को खिला दीजिए। छोटा सा काम है, छोटा सा उपाय है, करके देखिए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, आपके घर में स्थिर रूप से वास करेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी इस तरह के कुछ अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्री कृष्ण।